बारिश के मौसम में अगर गर्मा गर्म क्रिस्पी करारी पकौड़े मिल जाए तो उसके खाने का मज़ा ही कुछ और होता है, और साथ में गर्मा गर्म चाय, दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा लगता है। और आज मैं आप सभी के लेके आई हूँ बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही करारी, मज़ेदार कॉर्न के पकौड़े। ये इतने अच्छे लगते हैं खाने में कि अगर आप इसे एक बार बनाएंगे तो बार बार बनाना चाहेंगे। और अगर आपको कॉर्न खाना पसंद है फिर तो आप इस पकौड़े को डेफिनेटली ट्राई करिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। कॉर्न के पकौड़े बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 1.5 कप फ्रोजन कॉर्न लिया है। आप चाहे तो ताज़ा भुट्टा भी ले सकते हैं जो मार्केट में इस टाइम बहुत ईजिली मिल जाता है। कॉर्न को क्या करेंगे, हम थोड़ा सा दरदरा इसे ग्राइंड कर लेंगे। कॉर्न को हल्का सा ग्राइंड करने से जो पकौड़े होते हैं ना, तलने के टाइम हमारे ऊपर तेल के छींटे नहीं आते, नहीं तो कॉर्न बहुत फटते हैं तेल में जाके। तो इसे पल्स मोड पे थोड़ा सा दरदरा सा हमें ग्राइंड कर लेना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने इसे पल्स मोड पे दरदरा कर लिया है। इसमें कुछ पीसेस थोड़े से खड़े खड़े दिख रहे हैं तो बस ऐसा ही होना चाहिए। और अगर आप ताजे भुट्टा से बना रहे हैं ना, ताजे कॉर्न से, तब भी आप इसे ऐसे ही बना सकते हैं, उसे बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। कॉर्न को एक बोल में निकाल लेंगे और इसमें डालेंगे 4 बड़े चम्मच बेसन, साथ ही में 1 बड़े चम्मच चावल का आटा, 1/4 छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 छोटी चम्मच हल्दी पाउडर। यहाँ पर मैंने कुछ सब्जियाँ ली है, 1/2 कप मैंने बारीक कटा हुआ प्याज लिया है, थोड़ी सी हरी मिर्च, 2 हरी मिर्च को कट किया है और 1 बड़े चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक लहसुन और थोड़े से बारीक कटा हुआ हरा धनिया लिया है। सारी सब्जियों को हम इस बोल में ट्रांसफर कर लेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे हाथों को क्लीन करके। तो यहाँ पर हाथों को क्लीन करने के बाद इसे अच्छे से मिला लेना है, हाथों से मसलते हुए हमें इसे मिक्स करना है। और कॉर्न को ग्राइंड करने के बाद इसमें बहुत ही अच्छी सी बाइंडिंग आ जाती है, तो बस इसे ऐसे ही करते हुए हमें मिक्स कर लेना है। यहाँ पे मैंने इसे मिला लिया है और बहुत ही अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है, इसमें पानी वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं होती है बिल्कुल भी। अब हम एक पकौड़ा बना के चेक करेंगे, तो इसे थोड़ा सा दबाते हुए बनाना होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पकौड़ा बहुत ईजिली बन जा रहा है, इसका कोई शेप वगैरह देने की ज़रूरत नहीं है, आप जैसे चाहे इसे बना सकते हैं। अब हम इसे गर्म तेल में डाल देंगे फ्राई करने के लिए, तो तेल अच्छा गरम होना चाहिए, मैंने तेल को पहले ही गरम होने के लिए रख दिया था। और इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पे फ्राई करना है और पकौड़े डालने के बाद तुरंत इसे नहीं चलाना है, थोड़ा सा रुक के फिर हम इसे पलट लेंगे जब लगेगा कि थोड़ा सा पकौड़ा फ्राई हो गया है। और पकौड़ों को फ्राई करते टाइम एक बात का ध्यान दीजिएगा कि इसे थोड़ा सा केयरफुली हमें फ्राई करना होगा। वैसे तो हमने इसे ग्राइंड किया है हल्का सा, तो फटने के चांसेस बहुत कम है, बट कभी कभार एक आग ऊपर आ जाते हैं फट के कॉर्न, तो इस बात का ध्यान देते हुए हमें इसे फ्राई करना है। तो यहाँ पे पकौड़े फ्राई हो गए हैं, एकदम क्रिस्पी करारे हो गए हैं, अब हम इसे निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बैच के पकौड़े को फ्राई कर लिया है, इसी तरीके से हम बाकी सारे पकौड़े भी फ्राई कर लेंगे। तो ये लीजिए गर्मा गर्म तैयार है हमारे कॉर्न के पकौड़े, ये बहुत ही क्रिस्पी, बहुत ही मज़ेदार लगता है खाने में। साथ ही मैंने चाय भी बनाई है बहुत ही मज़ेदार, और अगर चाय के साथ पकौड़े मिल जाए तो उसके खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो बारिश के मौसम में आप इस तरीके से कॉर्न के पकौड़े और साथ में चाय को एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, आप सभी को बहुत पसंद आएगा। और ये इतने क्रिस्पी बन के तैयार होते हैं ना, आपको खा के मज़ा ही आ जाएगा। तो आप इस तरीके से पकौड़े को बनाइए और अपनी फैमिली के साथ इंजॉय करिए। और रेसिपी ट्राई करने के बाद कैसी लगी कॉमेंट करके बताना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप मेरी ये रेसिपी कहाँ से देख रहे हैं मुझे ये भी कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मुझे जान के बहुत अच्छा लगेगा। तो आप इस रेसिपी को बनाइए, मैं मिलती हूँ ऐसी आसान मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।